हो चुकी है किचन की और काम शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता करें। अल्लाह ताला हम सबको पांच वक्त का नमाजी बनाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अता करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज उमरा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितनी भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में हैं उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। ये थी हमारी छोटी सी दुआ। आप चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी आप तक पहुँचे। और कल हमें एक सिस्टर ने बुलवाया था, वो काफ़ी दूर से आई हैं। मैं बताना नहीं चाहती कि वो कहाँ से आई हैं और वो मुल्तान में आई हैं। उन्होंने बुलवाया है कि आप हमारे घर आएँ। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम आएँगे, लेकिन फिर आज कल उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, तो आप आ जाओ। मैं काफ़ी जो है ना खुश हूँ कि आप मेरे घर आएँगी और मैं आपसे मिलूँगी। तो मैं वहाँ पर गई, माशाल्लाह उन्होंने हमारे खूब खातिर तवज्जो की। हम लोग बहुत खुश हैं। मैं पहले समझती थी कि अच्छे लोग दुनिया में कुछ हैं, लेकिन आप समझती कि सब ही अच्छे लोग हैं। जब मैं गई उनके पास तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मैं एक अनपढ़ हूँ। इस तरह उन्होंने मेरे साथ बात की, मेरी मेहमान नवाजी की, मेरे साथ वो अच्छे अखलाक उन्होंने मुझे दिया। यकीन करें मैं कल से काफ़ी खुश हूँ। मैं मुझे तो मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है कि यार इतने भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। और मैंने कल हम लोग दोपहर का खाना तो वहीं से खा के आए थे और अभी जो है हमारा दोपहर का खाना वहाँ से खा के आए। शाम पूरी ब्याह दी दर तमाम रखी चेक कराएंगे। चल लिए रुमाल लगा ला उठी। कल रात हमेशा की तरह मम्मी के घर से खाना खा के आए थे और हमारे पास जो है ना सालन नहीं था, लेकिन दो टमाटर पड़े हुए थे, एक प्याज पड़ा हुआ था। मैंने उनको काट के थोड़ा सा सालन बना दिया है और अभी मिस्त्री भी आ रहा है और ये सोच रही हूँ कि मिस्त्री आ रहा है, लेकिन आज जो है ना घर के राशन भी ख़त्म हो गया, घी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, एक चमचा हो जाएगा और बाकी सामान भी ख़त्म हो गया। पैसे भी नहीं है मेरे पास, अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि दुकान वाले भी उधार नहीं देंगे। दुकान पे भी 3-4 हज़ार बना हुआ है, वो भी उधार नहीं देते, अब उन्होंने भी उधार जो है ख़त्म कर दिए। और अभी जो है ना मिस्त्री आ जा रहा है, इतने दिन से हम लोग मिस्त्री को बुला रहे थे, हमारे पास खर्चा पड़ा हुआ था राशन वगैरह, लेकिन मिस्त्री नहीं आया। और आज जब सारा कुछ ख़त्म हो गया तो मिस्त्री आ गया, मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है कि मिस्त्री को कहूँ कि बस जैसे आए हो वैसे अभी चले जाओ, क्योंकि घर में राशन ना हो, रोटी ना बने मिस्त्री और मजदूर की, वो कितनी बार दुआएं देंगे कि सारा दिन जो है भूखे बेचारे कमाएं। मुझे खुद को भी काफ़ी दुख हो रहा है। तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह कहीं ना कहीं से अता कर देगा उनका रिस्क भी। और बाकी सारा काम भी मैं साथ ही मिलकर करूँगी। और हमारा जो मिस्त्री है वो थोड़ा सा बुरी बंदा है और काफ़ी जो है ना ऐसे हंसी मजाक से कर लेता है, कोई रिश्तेदार है कोई गैर नहीं है जिससे जो है ना शराब करें, वो भी हमसे मजाक कर लेता है, हमसे मजाक कर लेता है। मैंने तो आज उनसे कहा था कि आप इतने दिन नहीं आए तो आज आपका हक बनता है, आप ट्राई खुद करें, लेकिन फिर मैंने
मजदूर चेक करे, इतना बड़ा मजदूर है, ईंटों पर चढ़कर खड़ा हो जाता तो फिर इसका कद माशाल्लाह बहुत ही छह फुट का कद बन जाता है इसका। किसी को टाइम नहीं देता मेरे लिए तो यही इंतजार काफी है क्योंकि मेरे जितनी हस्ती है वो आड़ गई गिरने वाली है, आगे कोई ईंट पड़ी हुई है। ये हाल होता है, मुझसे नहीं उठाई जाती, मैं एक एक ईंट उठा के जाऊंगी, मेरे लिए वही बेहतर है, मुझसे नहीं उठाई जाती है। मेरे लिए यही काम इजी है, मैं इस तरह ही कर लूँ तो वही बेहतर है। कोई भी काम मेरे साथ नहीं करता, उसको अगर बोलूँ ना कि आपने ये काम करवाना है तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन आ गया है, मैं जा रहा हूँ, बस भागते हुए मोटरसाइकिल लेते हैं और चले जाते हैं। और हमारी आज जो है ना तामीर शुरू हो चुकी है किचन की और काम शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से जो है मुकम्मल भी हो जाएगा और जुमे वाले दिन सॉरी हफ्ते वाले दिन आएंगे भाई। और आज ये कह रहे हैं कि बस यही काम करना है और हफ्ते को मैं आऊँगा, हफ्ते को ये दरवाज़ा यहाँ से निकाल कर वहाँ सेट करूँगा और ये जो खिड़की है बाहर वाली साइड पर सेट करेंगे भाई, और इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाते रहेंगे जिस तरह काम होता रहेगा। और लोग कहते हैं कि आप जो भी काम करती लोगों को बताती हैं, मैं यहाँ पर जो हम लोग चैनल हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने पूरी रूटीन बतानी होती है, अपना घर का रूटीन बतानी होती है, बाहर जाते हैं बाहर की रूटीन दिखाते हैं, भैया आपको इससे क्या मसला है, मैं जो कुछ भी दिखाती हूँ, मैं कोई काम तो नहीं कर रही हूँ, कोई गलत वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, घर का काम ही बता रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो इससे आपको क्या मसला है आपको बताएं, आज मुझे आप बता ही दें कि आप लोगों को इससे मसला क्या है। मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो आप लोग कहते हैं ये जो है ना मेकअप करके जन्म पे आई है, मैं खुदा ना खास्ता मेरा शोहर जिंदा है, कोई बहुत नहीं हो गया कि मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मैंने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो मेरे ऊपर बातें भी, इसने मेहंदी लगाई हुई है यूट्यूब पर आ रही है, और मेहंदी कोई हज़ारों रुपये की नहीं आती, 50 रुपये की आती है, मेरे भाई मेरी बहनों ज़्यादा महंगी नहीं आती। और प्लीज़ किसी पर बात करने से पहले ये सोच ले कि पता नहीं उस बंदे की क्या मजबूरी है, क्यों ये सब कुछ कर रहा है। थोड़ा चाहो थोड़ा थोड़ा चाहो जरा चला ना बचाओ ऊपर पिलर जाएंगे, तो ये
बड़ा खोदेंगे जैसे कि ये बना हुआ है नीचे इस तरह ज़्यादा थोड़ा नीचे एक दो जो भी कहते हैं उसके बाद जो है ना फिर सारी कम इनको मिलता है।